Hey guys, what's up? Welcome back to the channel and in a new episode. My name is Saurabh and you are watching my vlogs. So, आज के व्लॉग में क्या बात करेंगे अभी डिसाइड नहीं है क्योंकि अभी जस्ट उठा हूँ. समय कुछ हो रहा है 6 सुबह के और आज घर पे कुमारी खिलानी है तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ जलेबी लेने. टॉपिक डिसाइड करते हैं, जलेबी बनवाते बनवाते मिलते हैं. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and press. तो गाइस दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर लगाया लेकिन टॉपिक समझ नहीं आया. मैं वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा था लेकिन फिर उसके बाद एक बंदा था वो आके बगल में पूछने लगा. उसका कोई गेमिंग चैनल था तो वहाँ पे मैं बात करने लगा, इस वजह से टॉपिक नहीं समझ आया. तो अभी हम लोग घर निकलते हैं. आप थर्ड में हो, आर्यन सर क्या पढ़ाते हैं आपको? हम पढ़ाते हैं. आर्यन सर अच्छे हैं? आ रहे हो? देखो कुछ नहीं करेगी, भागो नहीं बस. गया पकड़. तो भाई साहब हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी सर, हेलो, पीछे पीछे. चलो बेटा तुम आराम करो. ये भाई साहब काटना नहीं है, चुपचाप बैठो. ले भाई सो चुके हैं भाई साहब, बहुत ही आनंदमय नींद है. चलो एक काम करता हूँ, इतना गेट खोल देता हूँ ताकि इसको जाना होगा ना तो ये चला जाएगा. ओ हाय हेलो. उड़ गई. तो ये रहे प्यारे प्यारे घर चिड़ियों के लिए, ये रहती है यहाँ पे. एक और है, ये मोटी वाली है, एक पतली है. मोटी वाली का घर ये है, पतली वाली का घर ये है. और ये लोग भी अति मचाते हैं. इन लोगों का अति बताता हूँ मैं. इसका क्या सीन है, इनको घर बना के दिया गया है लेकिन इनको यहाँ पे रहना होता है. जो फॉल सीलिंग होती है मैं यहाँ अंदर घर बनाना होता है. तो गाइज आज का दिन कैसे निकल गया कुछ पता नहीं चला भाई. सेकेंड मीटिंग में ऐसी मेरी एनर्जी लो हुई कि मेरा ना व्लॉग करने का मन किया, ना एडिट करने का मन किया, कोई भी काम नहीं किया. मैं थोड़ी देर तक कर रहा था, मैं लैपटॉप लेके बैठा, मैंने एडिटिंग स्टार्ट की थी. एक जगह का प्रोजेक्ट मुझे भेजना था आज ही, बट ठीक है वो एक्सटेंड कर सकते हैं कल तक भी. तो उस वजह से मैं थोड़ा सा लेटा उसी जगह पे और सो गया खत्म. और जिम के टाइम से पहले उठ गया. फिर मुझे जाना था जिम बट बिल्कुल भी मन नहीं था. फिर कैसे तैसे करके जिम गया, फिर उसके बाद स्टूडियो गया. तो यही सब चल रहा था. अभी फिलहाल मैं आ रहा हूँ, एक जगह पार्टी थी. आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे पे. चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट. The next day. ओ भाई साहब फाइनली बारिश का मौसम आ चुका है. सो इसी नोट पे करते हैं नई दिन की शुरुआत. सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू डे. आज के दिन की शुरुआत हो रही है बारिश से. बारिश ऐसा मौसम है कि भाई मेरा फेवरेट है, बहुतों का होगा क्योंकि रीजन मैं बताता हूँ. सबसे पहली चीज तो सब कुछ बहुत ब्राइट दिखता है, बादल बहुत अच्छे लगते हैं, जमीन एकदम साफ दिखती है क्योंकि बारिश से सारी मिट्टी हट जाती है. बढ़िया दिन है आज का. तो गाइस अभी लेते हैं थोड़े से सिनेमैटिक्स क्योंकि आज के कलर जो है ना बहुत पंची दिख रहे हैं तो भाई सिनेमैटिक तो बनता है. तो अभी इसी बात पे पीछे से एक म्यूजिक आ रहा होगा. So guys, this is the first meal of the day, जो कि है sprouts. और guys, कल जैसा कि मैं second meeting के बाद shoot नहीं कर पाया था, मैंने बताया था कि मेरी तबियत नहीं सही थी, बहुत energy low सी लग रही थी. तो उसका यही reason है कि हाँ मेरी तबियत खराब होना start हुई थी. तो भाई आज थोड़ा सा ज्यादा खराब है. और कल मैंने exercise में किया था shoulder, जिसकी वजह से ये जो collar है बहुत ज्यादा दर्द हो रही है. तो यार मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी मसाज ले लेता हूँ, शायद सही हो जाए, वरना आज का वर्कआउट 100% मिस हो जाना है क्योंकि यार बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. तो अभी इसको खत्म करके चलते हैं हेड मसाज लेने. तो गाइस फाइनली अब जाके मेरे को रिलीफ मिला है. एकदम सेम यही सिचुएशन है मेरी. सॉरी मिनी. तो भाई मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का आज जिम. एक तो मेरी तबीयत नहीं सही है, ऊपर से मेरा कॉलर बोन दर्द हो रही है. मैंने मसाज लिया, थोड़ी देर बाद फिर से चालू हो गया दर्द, बट सोच रहा हूँ चला जाऊँ. तो चलते हैं जिम, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, मे भी थोड़ी सी तबीयत सही हो जाए. पैर सही हो गया एकदम? पैर सही हो गया तुम्हारा? बढ़िया, एकदम बढ़िया हो गया. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's
is magic, believe you could have it. यार एक चीज मुझे जानना है कि जिस दिन जिसकी तबीयत खराब होती है उस दिन क्या वर्कआउट ज्यादा अच्छा होता है क्या? मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि वर्कआउट अच्छा होगा और आज बैक की है मैंने, बैक की एक्सरसाइज और वर्कआउट एक नंबर हुआ है। सो गाइस करते हैं व्लॉग को यहीं पे खत्म। होपफुली आपको ये छोटे मोटे इधर उधर के काम जिनको मैंने शूट करके एक व्लॉग बनाया है पसंद आया होगा। मतलब मैं नहीं उम्मीद करता हूँ कि इतना पसंद आया होगा, बट हाँ काइंड ऑफ बना दिया बस, क्योंकि ऐसा रेगुलर कंटेंट के लिए जरूरी होता है कभी ऐसी चीजें करना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय। We'll be right back.